हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। नाइन्थ यानी नो थियरी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नो की नो थियरी इज इंटेलिजेंस की। टेंथ और इलेवेंथ थियरी के बारे में आज बात करेंगे। हो सकता है आपने ये वाली सुनी हो, अर्थुर जेनसन की जो है, ठीक है, ARTHUR अर्थुर, ठीक है। तो जेनसन की थियरी है जी ये मेंटल फंक्शनिंग की। लेवल थियरी भी बोल दिया जाता है क्योंकि इसमें लेवल वन लेवल टू में इन्होंने डिवाइड किया था इंटेलिजेंस को, ठीक है। और दूसरी है कैंपियन और ब्राउन की थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थियरी नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए, एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि इस नाम से भी कोई थियरी एग्जिस्ट करती है और वो किस तरीके से इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है या कैसे जो है इंटेलिजेंस को किन एस्पेक्ट्स में या पार्ट्स में देखती है। ओके, सो ये दो थियरीज के आज डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगी तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप कर सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, क्योंकि फ्री में सब्सक्राइब करना तो बनता है। मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। चलिए, तो जेनसन की टू लेवल थियरी भी बोलते हैं जिसको, एक तो इसका नाम याद रख लीजिएगा, कई बार इसी को हायरार्कल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ऑल्दो हायरार्की की थियरी जो है वो किसने दी थी देखा जाए तो वर्नन ने दी थी, क्योंकि उन्होंने एक हायरार्की की बात की थी। इन्होंने भी दो लेवल्स की बात की है, एक लेवल वन है एक लेवल टू है, तो वो दोनों लेवल को भी एक हायरार्की की तरह हम देख सकते हैं, इसलिए इसको भी हायरार्कल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हायरार्कल मॉडल या हायरार्कल थियरी पूछी गई है और वहां पे वर्नन का नाम नहीं है तो जेनसन के साथ जाइए, ठीक है, क्योंकि वो तो पर्टिकुलरली साफ साफ तरीके से नाम ही उस थियरी का हायरार्कल थियरी है, बट यहाँ पे इसको भी हायरार्कल के नाम से जाना जाता है। दूसरा है जेनसन की थियरी ऑफ मेंटल फंक्शनिंग की, दिमाग में काम होता कैसे, कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसे प्रोसेस होता है, ठीक है। सो वो उस चीज़ को इन्होंने डिफाइन किया है बहुत अच्छे तरीके से। सो अर्थुर जेनसन, इन्होंने प्रपोज किया हायरार्कल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो मॉडल है ये आपकी 12th क्लास की साइकोलॉजी की एनसीईआरटी में भी मेंशन है। सो एटलीस्ट इतना इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और इतना ही काफ़ी भी है। ओके, सो दो लेवल्स की बात करते हैं जी, ये लेवल वन और लेवल टू। किस चीज़ के लेवल हैं ये हायरार्की में बता रहे हैं, मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है ये, जिसमें कैसे जो है आपकी एबिलिटीज़, मेंटल एबिलिटीज़ या मेंटल फंक्शनिंग जो है वो प्रोसेस करेगी। सो लेवल वन क्या रहेगा, ये एसोसिएटिव लर्निंग है जहाँ पे आउटपुट जो है वो इज मोर और लेस सिमिलर टू इनपुट, यानी कि जो आपने इनपुट लिया है, जो आपको बताया गया है, आपको वही याद होना चाहिए। सो समवेयर रोट लर्निंग और मेमोरी से रिलेटेड है कि जो इनपुट आपको दिया गया है कि भाई ये चीज़ें हैं, भारत के अब तक के प्रधानमंत्रियों के नाम ये हैं जो आपको याद होने चाहिए, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, आप वो नाम ही तो बताएंगे ना जो आपको इनपुट में मिले थे, राइट। सो आउटपुट जो है वो मोर और सिमिलर सा होता है इनपुट के, जिसको हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि रोट लर्निंग या मेमोरी लर्निंग की बात यहां पे हो रही है। ओके, लेवल टू की अगर बात करें तो ये कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस की बात करते हैं, जिसमें हायर ऑर्डर स्किल्स को इंक्लूड किया जाए थोड़ा सा बड़ी लेवल पे, जिसमें आप समझ रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं और जो इनपुट आपको दिया गया है आप उसको ट्रांसफॉर्म करके, उसके ऊपर क्रिटिकली थिंक करके, उसको इंटरप्रेट करके एक इफेक्टिव आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो लेवल वन पे अगर आप हैं तो आप मेजरली रोट लर्निंग कर रहे होंगे, और लेवल टू पे अगर आप हैं सो आपके अंदर वो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होगी, दिमागी तौर पे, संज्ञानात्मक तौर पे आप इतने डेवलप्ड होंगे कि आप जो है हायर ऑर्डर स्किल्स जो आप में हो, क्योंकि उन्हीं स्किल्स का इस्तेमाल करके ही तो हम क्रिटिकल थिंकिंग या जो क्रिएटिव थिंकिंग, इस तरीके की थिंकिंग कर पाएंगे, और उन्हीं टाइप की थिंकिंग में जो इनपुट आपको दिया जाएगा उसको आप ट्रांसफॉर्म करके एक इफेक्टिव आउटपुट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो ये दो लेवल समझ आ जाने चाहिए आपको, और लेवल वन एंड लेवल टू कई बार पूछ लिया जाता है लेवल थियरी किसने दी या लेवल वन और लेवल टू की बात किसने की है, तो वो जेनसन ने की है, अर्थुर जेनसन, आप इनका नाम याद रखेंगे हर हाल में। ओके, चलिए, दूसरी है जॉय कैंपियन और एन ब्राउन की, जो 1979 में इन्होंने दी थियरी ऑफ इंटेलिजेंस ही है। दोनों अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इस थियरी को डेवलप किया, और इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस जो है उसको टू पार्ट सिस्टम में हम मतलब टू पार्ट सिस्टम में या तो बोल देंगे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर इंटेलिजेंस इन दो पार्ट सिस्टम से बनी हुई है, इट इज कंपोज ऑफ टू पार्ट सिस्टम, ठीक है। अब ये दो पार्ट्स कौन से हैं, तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं जी, पहला है बायोलॉजिकली बेस्ड आर्किटेक्चरल सिस्टम, ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है, हो सकता है पूछ लिया जाए कभी रैंडम कि आर्किटेक्चरल सिस्टम किसने दिया, तब जाके फिर हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे बींग अ टीचर। सो इट्स बेटर कि अगर ये बुक में अवेलेबल है तो ये आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है। तो कैंपियन और ब्राउन की थियरी भी आप याद रखेंगे, पहला है आर्किटेक्चरल सिस्टम जो कि बायोलॉजिकली बेस्ड है,
यानी आप सीख नहीं सकते इसको, ये बायोलॉजिकली न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जो हमने 11th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखी तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी उसकी क्लासेस जो मैंने ली थी वो देखिए एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, बायोलॉजिकली बेस्ड है आर्किटेक्चुरल सिस्टम, दूसरा है एनवायरमेंटल बेस्ड। सो एनवायरमेंटल से इन्फ्लुएंस्ड सिस्टम होगा एग्जीक्यूटिव सिस्टम, तो एग्जीक्यूटिव भी बोल देते हैं, एग्जीक्यूटिव भी बोल देते हैं, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें। आपको पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चुरल सिस्टम है और एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, तो इनका इनके अंदर हम और चीजें क्या पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो आर्किटेक्चुरल सिस्टम है, ऑल्दो मैंने आपको बता दिया कि बायोलॉजिकली बेस्ड है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरीके की होंगी इसकी। सो इट वर्क्स एज अ बेस फॉर वन्स इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, सो किसी भी तरीके की इंटेलेक्चुअल लेवल पे जो फंक्शनिंग आपकी हो रही है, प्रोसेसेस हो रहे हैं, उसके लिए बेस का काम करेगा ये आर्किटेक्चुरल सिस्टम। इसमें बेसिक मेंटल एबिलिटीज आ जाएंगी, जैसे मेमोरी की कैपेसिटी, रेट ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी, किस तरीके से मेमोरी लॉस हो रहा है, या प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। तो ये जो बेसिक मेंटल एबिलिटीज है ये सारी की सारी इसके अंदर आ जाएंगी, और जो एबिलिटीज इसके अंदर होंगी वो इननेट है जी, हम बोल रहे हैं ना बायोलॉजिकल है, तो वो इननेट और बायोलॉजिकल है, यानी जन्म से ही आप में होंगी, ठीक है। रिलेटिवली इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट होंगे एजुकेशन पे, कल्चर पे या ट्रेनिंग पे, कि आप समझा दें, लर्निंग ट्रेनिंग इस तरीके की कोई चीज हो सके। सो आर्किटेक्चुरल सिस्टम इन चीजों पे वर्क नहीं करता, तो ये बोल रहे हैं जो कैंपेन एंड ब्राउन की आर्किटेक्चुरल सिस्टम प्लस एग्जीक्यूटिव सिस्टम। अब ऑब्वियसली आर्किटेक्चुरल सिस्टम हमने पढ़ लिया तो एग्जीक्यूटिव सिस्टम इससे ऑपोजिट मिलेगा। हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल बेस पे है, हम तो ये बायोलॉजिकल बेस पे नहीं होगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हम बेसिक कैपेबिलिटीज को, मेंटल कैपेबिलिटीज को इंक्लूड कर रहे हैं, और ये इननेट होता है यानी जन्म से है। तो अगर ये इननेट है और बायोलॉजिकल है तो ये बायोलॉजिकल तो नहीं है, तो ये इननेट भी नहीं होगा एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो हमारा है। अब अगर ये इननेट है तो ये एजुकेशन पे, लर्निंग पे, ट्रेनिंग पे, कल्चर पे, उन चीजों मतलब उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, उनके ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव सिस्टम इन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ओके, सो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो है वो स्टोर हाउस है नॉलेज का, इंफॉर्मेशन का, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज यहां से आई है वो इनको स्टोर करेगा यहां पे। ओके, जो भी लर्निंग स्ट्रेटजीज होंगी या मेटाकॉग्निशन, जो हम अवेयरनेस रखते हैं अपने बारे में, वो सारी चीजें यहां आएंगी। तो ये हायर लेवल पे काम कर रहा है देखा जाए तो थोड़ा सा, ये हायर ऑर्डर मेंटल फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां पे क्या था, बेसिक एबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये हायर लेवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, और दूसरा डिपेंडेंट रहेगा ये किस पे, ट्रेनिंग पे और एक्सपीरियंसेस पे, यानी इनेट नहीं है ये, जन्मजात नहीं होता, इसलिए आप सीख सकते हैं चीजें, ठीक है। जैसे मान लो म्यूजिक है, अब म्यूजिक जन्मजात मान लो आप में नहीं है और आपने ट्रेनिंग लेके उसको सीखा है, राइट। सो वो चीज एजुकेशन पे, कल्चर पे अगर डिपेंडेंट हो रही है तो वो आर्किटेक्चुरल सिस्टम में इंक्लूडेड नहीं मानी जाएगी। ओके, सो ये बोल रहे हैं कि इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारे पास इंटेलिजेंस बनता है। ओके, तो ये हमारे दोनों के दोनों थियरीज हो गई। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो प्लीज़ डू गिव फीडबैक एंड कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इंकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो फ्री में इतना तो बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज़।